वो लोग जो बेलगाम घूम रहे हैं धर्म का चोला पहनकर गमछा डालकर, जो मुसलमानों की दाढ़ी टोपी देखते ही टूट पड़ते हैं, आज सड़क पर मुल्ला पाकिस्तानी आतंकवादी कह के लोग निकल रहे हैं। कानून का डर नहीं है, कानून का खौफ नहीं है। उन पे कानून का खौफ होना चाहिए, खौफ होना जरूरी है उनके अंदर, तब जाकर ये कॉम्युनल पॉलिटिक्स रुकेगा। कॉम्युनल वायलेंस पहले रोका जाए, तब कॉम्युनल पॉलिटिक्स रुकेगा। इस चुनाव में आप हमें प्रोटेक्शन का एक्ट दीजिए। कोई अगर दलित को जाति सूचक नाम से गाली भी बकेगा तो उसका क्या अंजाम होगा पता है ना? वो नॉन अवेलेबल सेक्शन में है और बेल नहीं मिलेगा। अगर वायलेंस बढ़ेगा तो कॉम्युनल पॉलिटिक्स बढ़ेगा, लोग अपनी अपनी रोटी से कहेंगे मरेंगे। हम गरीब वोट डालते हैं, मरने के लिए तो नहीं डालते, जिंदा रहने के लिए डालते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके आने वाली नस्लें खुद आपको कोसें, आपके कारनामे पर लानत भेजें। ऐसा मत कीजिए अल्लाह के वास्ते। समाज से पब्लिक सरकार डरती है, किसी व्यक्ति से नहीं डरती है। तो इस आवाज को हम सामाजिक आवाज बनाना चाहते हैं। कॉमन पॉलिटिक्स की तरफ बढ़े, रोजी रोटी पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई की तरफ बढ़े, बात वहां होनी चाहिए। ये तब होगा जब कॉमनल पॉलिटिक्स पर लगाम लगेगा। तो कॉमनल वायलेंस कॉमनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा देता है। कॉमनल वायलेंस रुकेगा कैसे? इसके लिए यही एक रास्ता है कि अगर कॉमनल वायलेंस को रोकना है तो आप इनके प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाइए। वो लोग जो बेलगाम घूम रहे हैं धर्म का चोला पहनकर गमछा डालकर, वो लोग जो बेलगाम हैं, जो मुसलमानों की दाढ़ी टोपी देखते ही टूट पड़ते हैं, वो लोग जो बेलगाम हैं, जो ट्रेनों पे हमले कर देते हैं, बसों पे, बाजारों पे हमले करते हैं, उन पे कानून का खौफ होना चाहिए। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम मुसलमानों को भी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में शामिल किया जाए। ये मुद्दा ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने रखा है, सरकार के सामने रिटेन में रखा गया है। कई लेटर सरकार की तरफ से आए हैं लेकिन बुलावा नहीं आया और कोई बयान नहीं आया। चिट्ठी में ये कहा गया कि आपकी बातों पर गौर किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री के कार्यालय से चिट्ठी आया मोर्चा को, शब्बीर साहब आपने देखा भी है, और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री से आया, अल्पसंख्यक आयोग से आया, मगर सब में एक ही बात वही कि आपकी बातों पर गौर किया जा रहा। तो कब तक गौर कीजिएगा? हम बहुत मजबूर परेशान हैं, हम उम्मीद लगाए बैठे टकटकी कि भाई चुनाव से पहले सरकारें कुछ तोहफा देती हैं, सबको तोहफे बांटे जा रहे हैं। अभी दिवाली भी, दीपावली पे कई राज्य सरकार तोहफा बांट रही है, केंद्र सरकार तोहफा बांट रही है। एक तोहफा हम मांगते हैं, हमको अभी कुछ नहीं दीजिए। इस चुनाव में हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से कह रहे हैं इस चुनाव में आप हमें प्रोटेक्शन का एक्ट दीजिए। प्रोटेक्शन के एक्ट के बाद हमारी दूसरी सारी रास्ता, हम रोजी रोटी जो करते हैं ना, कम से कम दंगा फसाद का माहौल नहीं बनेगा तो जो हमारे लोग सड़क पर मेहनत मजदूरी करके जिंदा रहते हैं उनके लिए तो आसान रास्ता रहेगा। तो इसलिए प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर ये सिलसिला चला है। आज जो आपने देखा तहफ़ुज़े माशरा कॉन्फ्रेंस, सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन, ये सिलसिला लगातार चलेगा और हम लोग कई प्लेटफॉर्म पर इसकी बात करेंगे। जो लोग आज हमारे यहाँ आए थे अतिथि, उन्होंने आज स्पष्ट शब्दों में आप लोगों ने कवर भी किया, उन लोगों ने समर्थन किया है, आश्वासन दिया है कि हम आपके इस अभियान में आपके साथ हैं। कई हमारे सोशल एक्टिविस्ट आए, कई हमारे दलित बड़े चेहरे थे, सबों ने समर्थन का वायदा किया है। हम उन सबों का साथ लेकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। इलेक्शन से कबल कबल अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं आता तो अगला कदम क्या होगा आपका? वक्त का हम भी इंतज़ार करते हैं। कोई भी बात कहना वक्त से पहले ठीक नहीं है। 2024 में अभी वक्त है, अभी दो सेशन भी आने वाला है। हम लोग टेबल टॉक भी कर रहे हैं, हम लोग लेटर भी लिख रहे हैं, हम लोग सारा काम लगातार कर रहे हैं। हमको उम्मीद है कि 2024 से पहले सरकार बुलाएगी, ज़रूर बुलाएगी, ये उम्मीद है। अब वक्त जैसे जैसे करीब आएगा देखेंगे। हम विपक्ष के नेताओं से भी बात कर रहे हैं कि भाई आप इस मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल कीजिए, अगर वो भी रुचि नहीं लेंगे तो 2024 से पहले हम एक बड़ी मीटिंग रामलीला मैदान में, ऐसे 6 दिसंबर को हम लोग रामलीला मैदान में एक रैली कर रहे हैं अभी, इसी 6 दिसंबर को, तो उसके बाद फिर हम लोग बड़ा फैसला जो भी होगा वो लेंगे। इस्लामोफोबिया इस समय बढ़ता दिख रहा है, तमाम जो समाज के अंदर लोग हैं मुसलमानों को लेके, कुरान को लेके तमाम अनगढ़ंत बयानबाजी कर रहे हैं, उसको समाज में जो जहर घुल रहा है, कैसे रोकने का प्लान है, कैसे रुकेगा? आपको पता है कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, इसमें कोई अगर दलित को जाति सूचक नाम से गाली भी बकेगा तो उसका क्या अंजाम होगा पता है ना? वो नॉन अवेलेबल सेक्शन में है और बेल नहीं मिलेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ सरकार से, जो सवाल आपने किया उसका यही तो जवाब है कि आज इस्लामोफोबिया के जो बढ़ रहा है, आज जो मैं कैमरे पर बोलना नहीं चाहता हूँ, जो लोकसभा तक के में के अंदर हो गया, आज सड़क पर
मुल्ला पाकिस्तानी आतंकवादी कह के लोग निकल रहे हैं, कानून का डर नहीं है, कानून का खौफ नहीं है, तो जब तक स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं होगा तो खौफ ही नहीं होगा। खौफ होना जरूरी है उनके अंदर, तब जाकर ये कॉम्युनल पॉलिटिक्स रुकेगा। कॉम्युनल वायलेंस पहले रोका जाए तब कॉम्युनल पॉलिटिक्स रुकेगा। अगर वायलेंस बढ़ेगा तो कॉम्युनल पॉलिटिक्स बढ़ेगा, लोग अपनी अपनी रोटी से कहेंगे, मरेंगे हम गरीब, तो हम गरीब जो है वो वोट डालते हैं, मरने के लिए तो नहीं डालते, जिंदा रहने के लिए डालते हैं। इसलिए हम सरकार से कह रहे हैं कि हमको प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल कीजिए। जनता बड़ी मासूम होती है, बिलखसूस मुस्लिम की बात करें तो जो भी उसके साथ हमदर्दी की बातें करती है कौम उसके साथ हो जाती है, इसका कोई कायद नहीं है, क्या लगता है आपको? ये बदकिस्मती हमारी है, हम भी उस समाज के पार्ट हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल लीडरशिप है मैं उनको भी आगाह करता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके आने वाली नस्लें खुद आपको कोसें, आपके कारनामे पर लानत भेजें, ऐसा मत कीजिए अल्लाह के वास्ते। हम उन तमाम जो रवायती सियासत और रवायती लीडरशिप जो हमारे यहाँ है, जो थोपा गया हमारे ऊपर, हमने माना भी है उनको, हमने सबको माना, इमाम बुखारी साहब से लेकर और जमीयत जमात सबको माना। इन रवायती लीडरशिप के रहनुमाओं से मैं कहूँगा कि अल्लाह के वास्ते आप भी इश्यूज़ को फ्रेम में लाएं और इश्यूज़ पर बात करें, नॉन इशू पर, खतरे और खतरा और इस्लाम और हिंदुत्व, इससे मना आए दिन वो जो कॉम्युनल पॉलिटिक्स है वो और मज़बूत हो रहा है। तो हम उस कॉम्युनल पॉलिटिक्स को अगर कमज़ोर करना चाहते हैं तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इशू पर अपनी बात समाज के बीच करें। समाज बोलेगा तो कामयाबी मिलेगी, समाज से पब्लिक सरकार डरती है, किसी व्यक्ति से नहीं डरती है। तो इस आवाज़ को हम सामाजिक आवाज़ बनाना चाहते हैं। नहीं, कन्फ्यूजन सर खत्म हो रहा। देखिए, मैं तमाम आप पत्रकार भाइयों को कहता हूँ, बड़े बड़े एक्टिविस्ट आ रहे हैं मैदान में, जामिया के, अलीगढ़ के और कई जगह से पढ़े लिखे निकल रहे हैं। और आप देखिए अभी जो पसमानदा मोमेंट चला है, नए नए चेहरे आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुद्दे पर बात कर रहे हैं, वो कन्फ्यूजन नहीं है समाज में। समाज को बात ठीक है, जज्बात में बह जरूर जाते हैं, इंशाल्लाह इस बार लोग मोर्चा थामे हैं और कई जमातें एक्टिव हैं जो कन्फ्यूज़न को ख़त्म कर रही हैं लगातार। अब देखिए ये भी आपके सामने शब्बीर मंसूरी साहब, आप इनसे लीजिए बयान, लगातार अभी रायबरेली, महाराजगंज, लखनऊ, पूरा पश्चिम होते हुए, हापुड़ ऊपर होते हुए आए हैं और मुस्तकिल प्रोग्राम चला है सोशल मीडिया पर, मैं इनसे कनेक्ट रहता हूँ, बात भी होती रहती है, लगातार प्रोग्राम हो रहा। तो प्रोग्राम जो कंटिन्यू हो रहा, बेदारी भी आ रही है, पब्लिक समझ रही है कि इस बार मुद्दे पर बात करनी है, नॉन इशू पर बात नहीं करनी। लेकिन इंशाल्लाह इस बार उसको मांगना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा।